नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और ये हमारा दूसरा एपिसोड है जो डिस्कस फिश फैक्ट्स मैंने शुरू किया था कुछ महीने पहले। तो जैसे टाइटल में था, इसमें हम डिस्कस फिश के लिए जो वाटर पैरामीटर्स चाहिए उसके बारे में है ये छोटा सा वीडियो। तो डिस्कस का वाटर पैरामीटर्स में तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है TDS, एक है pH और वन मोर बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है टेम्परेचर, टैंकर जो पानी का टेम्परेचर। तो पहला चीज जो है वाटर TDS। सो आइडियल वाटर TDS हमारे डिस्कस फिश के लिए जो चाहिए वो है 100 to 150। 200 ppm TDS में भी डिस्कस सर्वाइव करते हैं, लेकिन डिस्कस को सॉफ्ट वाटर चाहिए। तो बहुत जगह पे, जैसे मैं बैंगलोर से हूँ तो बैंगलोर में बहुत जगह पे हार्ड वाटर है, जो बोरवेल पानी है वो डिस्कस के लिए सूटेबल नहीं है, तो सॉफ्ट पानी चाहिए। तो बहुत लोगों ने वैसे पहले भी बोला है कि हायर TDS में रहते हैं, लेकिन डिस्कस कैसे, जैसा ये बैच अगर कुछ आप ले रहे हैं तो वो डिस्कस कहाँ से आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा TDS में वो डिस्कस सर्वाइव करेगा। ब्रीडिंग के टाइम पे बहुत ही कम वाला TDS हमको चाहिए, तो जैसे हम बोलते हैं कि बिलो 50 to 80 ppm का टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स चाहिए, क्योंकि ज्यादा हार्डनेस की वजह से एग के ऊपर एक फॉर्मेशन, एक कोटिंग बन जाता है, तो फर्टिलिटी इश्यूज होता है, तो हैच रेट्स कम हो जाते हैं, इसलिए ब्रीडिंग के टाइम पे बहुत कम वाला TDS का पानी यूज करना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज pH। तो pH जो है डिस्कस के लिए आइडियल जो है 6.5 to 7.5 का रेंज के अंदर अगर आपका पानी का pH है तो बहुत ही अच्छा है। 7.5 एंड अबव, अगर 8 के ऊपर अगर pH है तो वो कोई भी फिश, किसी भी फिश के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये जो TDS लेवल है, जनरली सब हमारे फ्रेश वाटर फिशेस में 6.5 to 7.5 इज गुड। देन इज द सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टैंक टेम्परेचर। जैसे हम इंडिया में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, जैसे हम बैंगलोर में कुछ महीने बहुत गर्मी होती है, फिर बाद बहुत ठंडी होती है, तो टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो डिस्कस फिश के लिए तो आइडियल टेम्परेचर जो है 26 to 28 डिग्री सेल्सियस इज वेरी गुड फॉर डिस्कस। ट्रीटमेंट के टाइम पे बिटवीन 32 डिग्री सेल्सियस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो डिपेंडिंग जैसे जिस जैसा आपका लोकेशन है आपके, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको हीटर चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए आप थर्मामीटर जरूर यूज कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका टैंक का टेम्परेचर क्या है। सो जस्ट सिंपली जस्ट जाके हीटर डालने का, हमेशा हीटर डालने का कोई जरूरत नहीं है, तो टेम्परेचर चेक कीजिए उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको हीटर चाहिए कि नहीं। तो बहुत लोग, ये भी मैंने बहुत सारे मेरे चैनल में कमेंट्स भी आते हैं कि वाइल्ड में जो अमेजोन रिवर में जो डिस्कस मेनली फाउंडेड है, जहाँ से डिस्कस क्रिएट हुआ था, तो अमेजोन रिवर में बहुत लोग बोलते हैं कि वो ठंड में रहती है, सॉफ्ट वाटर नहीं है, ये है वो है, यू नो वर्म्स खाती है ये सब, लेकिन वो जो फिश है वो अमेजोन रिवर से है, वो वाइल्ड फिश है। जो फिश हमारे पीछे अभी जो वीडियो के पीछे आप देख रहे हो, वो फिश सब टैंक, फिश टैंक में कैप्टिविटी में जो ब्रीड हुआ है, वो फिश का पैरामीटर्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वाइल्ड का वाइल्ड है और टैंक का जो ब्रीड है वो दूसरा है, तो कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों डिस्कस सेम ही है, एक सेम स्पीसीज है। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस इधर से भी है, फॉरेन में भी है, कलर डिफरेंट है, बहुत सारी चीज चेंज होते रहते हैं जो रीजन वाइज एंड एवरीथिंग। सो डोंट कंपेयर बिटवीन वाइल्ड डिस्कस एंड जो फिश टैंक में जो ब्रीड होके पले बड़े हैं वो, उसको आप कंपेयर मत कीजिए। तो कम्प्लीटली दो डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट नहीं है, सेम स्पीसीज है लेकिन दो डिफरेंट रीजन्स और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सम अदर वे, तो उसको हम सेम टू सेम कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगले वीडियो और अगले एपिसोड तक बाय बाय।